केरला जो कि यहाँ की खूबसूरती के लिए जाना जाता है, जिसे गॉड्स ओन कंट्री कहते हैं, लेकिन आज भूस्खलन के कारण केरला का वो वायनाड जहाँ पर न जाने कितने ही टूरिस्ट पहुँचते हैं, वहाँ पर आज इस तरह की बर्बादी की तस्वीरें देखने को मिलेगी, ये शायद किसी ने सोचा होगा। मेरे चारों तरफ आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये इस बात की गवाही देती है कि जो भूस्खलन आया है उसने किस तरह की बर्बादी जो है वो यहाँ पर चारों तरफ लेकर आया है। चारों तरफ आप जितने भी घर यहाँ पर देखेंगे वो पूरी तरह से मलबे में डूब चुके हैं, और सबसे जो तमाम ये घर आप देख रहे हैं इस पूरी लैंडस्लाइड स्पॉट के आसपास, वहाँ पर पूरे के पूरे जो घर है वो मलबे में डूब चुके हैं। रात को जब चैन की नींद 2 से 4 का वो वक्त होता है, जब लोग चैन की नींद अपने घरों में सो रहे होते हैं, उस वक्त इस तरह से ये भूस्खलन आएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था, और क्या वो सुबह कभी नहीं देख पाएगा ये किसी ने सोचा था। ये आप देख सकते हैं एक जेसीबी बकायदा जो कि रेस्क्यू वर्क के लिए यहाँ पर पहुंचा हुआ था, वो किस तरह से यहाँ पर धस चुका है कि अब इसी को निकालना जो है इतना मुश्किल दिखाई दे रहा है। इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो रेस्क्यू वर्क इस वक्त चल रहा है उसमें किस तरह से मौसम, ये मलबा बहुत बड़ा खलल बन रहा है। केरला के अगर घरों की बात करें तो सबसे बड़ा यहाँ पर चुनौती ये भी है कि केरला में जो घर है उनके डिजाइनिंग इस तरह से होती है कि घरों के बाहर जो है कुएं होते हैं, यानी आप जो है इस पूरे यहाँ पर इस जगह में कहाँ पर कुआं होगा ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि हर जगह ये मलबा है। ऐसे में रेस्क्यू टीम्स के लिए एक कदम आगे रखना भी जो है काफी ज्यादा मुश्किल भरा रह सकता है, क्योंकि कब ये मलबा उस कुएं में धसेगा और कब कोई उस कुएं में धस जाएगा ये कोई नहीं बता सकता। इस पूरे डिजास्टर को अगर आप देखेंगे, इस पूरी तस्वीरों को आप देखेंगे, तो आप देख सकते हैं कि प्रकृति के इस प्रकोप के आगे हम कितने छोटे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये तस्वीरें गवाही देती है कि किस तरह से इस प्रकृति के प्रकोप ने आज यहाँ पर न जाने कितनों की जिंदगियां, कितनों के आशियाने पूरी तरह से तबाह कर दिए हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मिरर नाउ।